हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं जो नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक माय वीडियो। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी जहां मैं रहती हूं मैं वहां का जो है आपको टूर कराने वाली हूँ, यानी RCF का टूर, यानी हमारा जो रेलवे क्वार्टर है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा कॉलोनी है, यहाँ पे ढेर सारे क्वार्टर्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो टाइप है, यानी यहाँ पे 4 टाइप्स के क्वार्टर्स मिलेंगे, यानी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 4। सो क्वार्टर के साथ साथ जो है मैं आपको ईच एंड एवरी थिंग दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे चीज़ जो है मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ जो है हमारा लोकेलिटी है, यहाँ पे चारों तरफ जो है क्वार्टर्स ही क्वार्टर है, और ये जो क्वार्टर है ये टाइप 2 क्वार्टर्स हैं। ये देखिए कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का गुरुद्वारा है। मैं आपको पहले भी जो है गुरुद्वारा दिखा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इंडियन गैस का जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है, यानी आप यहाँ पे जो है हम लोग को गैस भी मिलती है। और ये देखिए पीर बाबा का जो दरगाह है, यानी यहाँ मस्जिद भी अवेलेबल है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, यानी यहाँ पे 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, एक गेट नंबर 2 पे और एक गेट नंबर 3 पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं दूसरे चीज़ को देखने। आप जो है वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको और भी नज़ारे दिखा सकूं। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय का जो है कंपाउंड है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोर है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी सुंदर जो है मोर है। ये देखिए कितना दूर है वो, और ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप वीडियो में जो है बने रहें और मैं आपको यहाँ के बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक शिव शक्ति मंदिर है, यानी RCF के अंदर जो है एक मंदिर है, ये जो है शिव जी की मंदिर है। ये जो है कंपाउंड है, यहाँ पे जो है सारे लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, खेलकूद भी होता है यहाँ। बी वेयर ऑफ नील गाय। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे नील गाय भी रहती हैं। यहाँ पे आपको जो है नील गाय, हिरन, मोर बहुत सारे जो है दिखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना घना जंगल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको वो जो है जंगली जानवर नहीं मिलेंगे, यानी शेर, बाघ यहाँ पे जो है ये सब नहीं रहते। हाँ, बस यहाँ पे जो है नेचुरल बर्ड्स रहते हैं, जैसे मोर है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर जो है मोर लग रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए यहाँ पे जो व्यू है, ये देख सकते हैं दोनों साइड से ट्री है, और यहाँ पे जो लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं स्पेशली फ़ोटोशूट कराने के लिए, यानी अपने वेडिंग प्री वेडिंग शूटिंग्स के लिए यहाँ पे बहुत आते हैं लोग, और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ग्राफ है बहुत ही अच्छे आते हैं। ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है यहाँ का। ये जो है यहाँ पे कुछ कुछ जंगल हैं, मतलब यहाँ पे अभी क्वार्टर्स नहीं बने हैं, बट यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही बड़ा ज़मीन है यहाँ पे, मतलब अराउंड 1000 एकर्स का जो है ये RCF है यहाँ का।
ये है देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो एक नील गाय है वो थोड़ा दूर है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत ही दूर है। सो नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का नेक्स्ट व्यू। ये देखिए यहाँ पे जो मोर, कितने सारे मोर हैं देखिए, एक जगह में चार चार मोर हैं। ये देखिए कितने सारे मोर हैं, और यहाँ पे जो ये जो मोर है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत सारे मोर जो है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको रोड क्रॉस करते हुए मोर दिख जाएंगे। ये भी देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, लोकेशन देख सकते हो आप कितना सुंदर है, बहुत ही हरा भरा भी है, बहुत ही लाजवाब। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही पसंद आता है यहाँ पे रहना। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ लग रहा है यहाँ का। अब हम आए हैं ट्रेनिंग सेंटर में, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, यानी कि यहाँ के जो मतलब बाहर से ट्रेनिंग जो होती है वो इसी इंस्टीट्यूट में होती है। सो मैं आपको जो है वो इंस्टीट्यूट दिखाती हूँ कि कहाँ पे बाहर के लोग आकर यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, यानी ज्वाइनिंग से पहले यहाँ ट्रेनिंग होती है। ये देखिए ये है TTC, यानी ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। यहीं पे जो है यहाँ के वर्कर्स का पहले ट्रेनिंग होता है, यानी मेरे हस्बैंड का भी ट्रेनिंग जो है यहीं हुआ था। यहीं पे जो है वो एक साल की इनकी ट्रेनिंग थी और यहीं पे वो रहते थे। यहाँ पे हर चीज़ जो है अवेलेबल है, यानी यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे कैंटीन है, और जितने भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, देखिए कितना सुंदर गार्डन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ लगे। ये देखिए यहाँ की लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई है इस गार्डन की। लंबाई है 80 किलोमीटर्स एंड चौड़ाई है 60 मीटर, यानी ये जो गार्डन फुल्ली जो गार्डन है वो इतनी लंबाई और चौड़ाई में प्रेजेंट है। यानी यहाँ का जो एरिया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का गार्डन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लगे हैं, ट्रीज़ लगे हैं, ताकि इसका जो लोकेशन है, इसका जो ब्यूटी है वो और निखर के आए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में भी जो है मोर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक मोर है, यानी यहाँ पे ऑल टाइम जो है मोर प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा आपको हमेशा देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मोर रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इनका जो है ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सारे चीज़ जो है प्रैक्टिकल वाले वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहीं पे जो है इनका प्रैक्टिकल वगैरह होता है, यानी ट्रेनिंग सेंटर है ये। देखिए देख सकते हो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे रखे जाते हैं और इन्हीं लोग को जो है सिखाया जाता है कि कैसे कैसे क्या होता है। मैं दिखाने वाली हूँ आपको क्वार्टर्स, यानी ये जो है Type 4 क्वार्टर्स है। ये देखिए फ्रेंड्स मोर कितना अच्छा लग रहा था। ये जो है Type 4 क्वार्टर्स हैं, यानी ये जो है बड़े वर्कर्स जो होते हैं ना, जैसे पोस्ट में उनको ये मिलता है, जैसे SSC हो गया या फिर उनके जो CME वगैरह हैं वो इस टाइप के क्वार्टर्स में रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं Type 3 क्वार्टर्स, यानी ये जो है थोड़े लोअर जो पोस्ट पे होते हैं उनको मिलते हैं, यानी SSC जो नीचे के पोस्ट के होते हैं उन्हें ये मिलता है, यानी ये टेक्नीशियन लोग को जो है मिलता है। ये सारे जो क्वार्टर्स है ये Type 3 क्वार्टर्स हैं। ये देखिए कितने सारे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे आपको जो है मिलने को देखने को मिल रही है। यहाँ पे लगभग जो है 4000 से ज़्यादा क्वार्टर्स हैं। ये देखिए ये सारे जो क्वार्टर्स हैं ये Type 2 क्वार्टर्स हैं। ये जितने भी क्वार्टर्स हैं ना ये Type 2 क्वार्टर्स है, यानी टेक्नीशियन से जो नीचे के पोस्ट के होते हैं उन्हें ये प्रोवाइड किया। देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारा कोच है, यहीं से जो है कोच निकलता है, यानी यहीं पे जो है कोच तैयार होती है, यानी एक फुल्ली ट्रेन जो तैयार होती है। और अब आते हैं Type 1 क्वार्टर्स में। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है Type 1 क्वार्टर्स है, और ये जो है जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं जो फाइट इधर उधर करते हैं वो क्वार्टर जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। सो ये रहा हमारा Type 1 क्वार्टर।
ये देखे फ्रेंड्स, ये है स्वर्ग धाम, यानी जो भी अंतिम संस्कार यानी जिसकी डेथ होती है वो यहाँ पे अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता है, यानी यहाँ पे ये भी चीज़ जो अवेलेबल है, ऑल थिंग इन वन। ये रहा हमारा एडमिन ब्लॉक, यानी ये जो है ऑफिस है, यानी सारे स्टाफ जो है यही काम करते हैं। सो ये रहा एडमिन ब्लॉक। और ये जो है वर्कशॉप है, मैं एक दिन आपको वर्कशॉप की भी जो है एक फुल्ली वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। सो अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। सो इधर जो है हमारा घर है, और बीच रास्ते में जो है एक वर्कर्स क्लब है। सो ये देखे फ्रेंड्स, ये जो सामने वाले जो है ये तो सारे क्वार्टर्स हैं, इसी से जस्ट आगे जो है हमारा वर्कर्स क्लब है, यानी उस वर्कर क्लब में जो है जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो खेले जाते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, ये सारे जो है यहाँ पे होते हैं। ये देखे फ्रेंड्स, ये जो है हमारा वर्कर्स क्लब है, वो रहा सामने, ये है ना, ये है हमारा वर्कर्स क्लब। सो टिल देन फ्रेंड्स, आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। टिल देन, बाय बाय।